Assalamualaikum, welcome to Pakistan Science Club. आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा simple solid state Tesla coil using layer circuit. इसको बनाने के लिए जो चीज़ें required हैं वो हैं half inch diameter का PVC pipe, जिसकी length almost 8 to 10 inches हो, 9 volt battery, breadboard, 26 to 30 gauge की copper wire, 2N2222 transistor, an LED, connecting wires. एंड 22 किलो ओम का एक रेजिस्टर. सबसे पहले तो हम पीवीसी पाइप लेंगे और इस पर कॉइल करेंगे ऑलमोस्ट 300 टू 400 टन्स. और कॉइल करते हुए ये ख्याल करेंगे कि कॉइल एक कॉइल दूसरी कॉइल को ओवरलैप ना करे और बहुत ही फिनिशिंग से आराम से इसकी कॉइल करेंगे. जैसे मैंने एक रेडी करके रखी है, एज यू कैन सी कि इसकी जो कॉइल हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही और इसके कॉर्नर पर मैंने टेप लगा दी है ताकि ये कॉइल ख़राब ना हो. और इस कॉइल में मैंने दो टर्मिनल्स निकाल दिए. अब हम दोबारा कॉपर कॉइल लेके इस पाइप से थोड़ा सा बड़ा डायमीटर का एक और कॉइल बनाएंगे जिसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 टर्न्स होंगे और वो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा. सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड पे. फिर हम एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करेंगे, जो कि ट्रांजिस्टर की सेंटर लेग है और एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लॉन्ग लेग है. उसको हम बेस से कनेक्ट कर देंगे और दूसरी साइड बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको इंडिपेंडेंट रखेंगे. अब जो 22 ओम का जो रजिस्टर है वो भी बेस पर कनेक्ट होगा जैसे कि एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल हुआ था. बेस पर कनेक्ट होगा और एक एंड इसको हम साइड पे कनेक्ट कर देंगे. अब एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम एमिटर से कनेक्ट कर देंगे. और हम इसमें से तीन टर्मिनल्स निकालेंगे जो कि आगे कॉइल्स पे कनेक्ट होंगी. पहली जो टर्मिनल है वो बेस से निकली है. सेकेंड टर्मिनल जो है वो कलेक्टर से निकलेगी और थर्ड टर्मिनल जो है वो रेजिस्टर से कनेक्ट होगी. अब मैं इसमें कॉइल कनेक्ट करूँगा. कॉइल को जो दो पार्ट्स हैं उनको इन दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँगा. एक रेजिस्टर से कनेक्ट हो जाएगा और एक जो कनेक्ट हो रहा है वो कलेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा. और जो वायर बेस से कनेक्ट हुई है उसको हम अपनी जो हमने टेस्ला जो कॉइल बनाई थी उसको कनेक्ट कर देंगे, उसके एक जंक्शन को कनेक्ट कर देंगे. अब हम इसमें बैटरी के टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे. जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको एलईडी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे. लेट्स सी के एलईडी अगर लाइट अप होती है तो ये इंडिकेट करेगी कि हमारा सर्किट बिल्कुल सही है. एज यू कैन सी कि हमारा सर्किट अब टोटली कंप्लीट है. इसमें हमने अपनी बैटरी कनेक्ट कर दी है और लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा. एज यू कैन सी कि हमारा सर्किट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है बट इसमें अभी एलईडी लाइट अप नहीं हो रही, तो मैं एलईडी चेंज करके देखता हूँ. समटाइम्स कुछ एलईडीज़ ख़राब होती हैं, इस वजह से वो चल नहीं पाती, तो मैं सिंपल एलईडी को चेंज कर रहा हूँ. और एज यू कैन सी कि एलईडी अब बहुत अच्छी तरह से चल रही है और अगर मैं इस पे कॉइल को टच करता हूँ तो एलईडी बंद हो जाएगी और ये इंडिकेट करता है कि सर्किट किस तरह काम कर रहा है. देखें, मैं हाथ क्लोज ला रहा हूँ तो एलईडी ब्लिंक कर रही है और इसी तरह से जब मैं बल्ब इसके क्लोज लाऊंगा तब एलईडी बंद हो जाएगी और बल्ब लाइट जलता रहेगा. जैसे ही मैं बल्ब हटाऊंगा तो
एनर्जी जलना शुरू हो जाएगी। बाज़ औक़ात ये सर्किट काम नहीं कर पाता सही से, उसकी वजह ये होती है कि ये जो कॉइल है ये इन्वर्टेड लगी हुई होती है। अभी मेरा सर्किट वर्क कर रहा था, अब मैं इन्वर्ट कॉइल लगा के देखता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। एज यू कैन सी के एलईडी भी नहीं चल रही और ये वर्क नहीं कर रहा, और ये प्रॉब्लम आपको भी फेस हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा वर्क ना करे तो आप इसकी कॉइल को इन्वर्ट करें और फिर से ट्राई करें। लेट्स सी के फिर ये वर्क करता है। देखें एलईडी भी जल गई और हमारा सिस्टम भी सही से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको आज का हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और भी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.pakse.org।